हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, अभी सुबह का टाइम उतना नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारे काम पहले ही निपटा लिए हैं। जैसे कि जब जाते हैं दीदी के पापा, तो उनके लिए वो नाश्ता करके जाते हैं कभी कभी, और जल्दी निकलना पड़ता है तो नहीं जाते हैं। तो बस आज जा गए हैं, तो उसी के लिए मैंने मेरा सब्जी रोटी बना हुआ है। और सुबह मैं उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ। और आज दोनों बच्चों की छुट्टी थी, संडे और सैटरडे नहीं है, लेकिन बस आज छुट्टी था कुछ काम से। तो ये देखिए, वो स्कूल नहीं गए हैं और अभी मैं आ गई हूँ अपने और भी बाकी के काम निपटाने, क्योंकि सुबह इतना नहीं हो पाता है कि अच्छे से घर को समेटना। क्योंकि देखिए, बच्चे भी सोए थे उस टाइम, तो मैं उनको जगा ही नहीं, बस मैं झाड़ू लगा के निकल गई। और फिर मैं जब मैं पोछा लगाती हूँ ना बाद में, तभी मैं ये सारे काम करती हूँ। फिर एकदम जब घर की एक सुबह मॉर्निंग की डीप क्लीनिंग होती है, उस टाइम ही करती हूँ आराम से, क्योंकि सुबह तो जल्दबाजी रहती है तो उतना नहीं कर पाती हूँ, फिर लेट हो जाएगा। इसी वजह से आराम से फिर मैं अभी करती हूँ। तो ये देखिए, बेडशीट आज मुझे नई निकालना है ना, तो इसी वजह से बेडशीट को बस मैंने इसे अच्छे से झाड़ दिया है। और बस इसको ऐसे ही, अगर कुछ भी धूल मिट्टी होगी तो उसे मैंने झाड़ दिया है। और आयांस दूसरे वाले रूम में है, अभी वो सोया है, तो मैं फटाफट सोच रही हूँ कि अपना काम जल्दी से निपटा लूँ। और बच्चों के पास भी खेलता है, तो होता नहीं कि मतलब एक जिन मतलब छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो माँ अपने आप उनको ये हो जाता है कि फटाफट काम करने का। ऐसा नहीं कि नहीं पहले हम कुछ और करेंगे फिर अभी, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए मैं भी सोचती हूँ कि फटाफट फिर मैं लग जाती हूँ काम पर, बिल्कुल भी शरीर में आलसपन नहीं करती हूँ। तो बस देखिए, मैंने घर को समेट लिया है और अब मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन में पोछा लगा देती हूँ, और उसके बाद देखिए, थोड़े बहुत ही यहाँ पर अभी कोई नाश्ता किया नहीं है, बस ऐसे ही बना के रखा हुआ है मैंने। और बस वही आदित्य पापा खा के निकल गए अपने काम से, और अभी हम लोग हैं तो खाएंगे आराम से। मैं जब तक फिर मैं काम भी कर लेती हूँ अपना। तो ये देखिए, अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। और देखिए, थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि अभी मतलब सुबह का जो क्लीनिंग होता है ना, उसमें बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर तो दिन भर घर इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि बड़ा घर है तो इतना जल्दी गंदा नहीं होता है। और मतलब कि अब बच्चे भी देखिए, दोनों बच्चे समझदार हो गए हैं, तो कुछ भी गंदगी रहता है तो प्लास्टिक वगैरह या फिर कागज़ फाड़ के फेंकना होता है, तो वो लोग डस्टबिन में ही डालते हैं। तो एक बार सुबह क्लीनिंग हो जाती है, फिर दिन भर साफ़ रहता है घर। तो अभी देखिए, किचन लगाने के बाद अब मैं आ गई बेडरूम में, और बेडरूम में भी मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, और फिर घर मेरा घर क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पर ना देखिए, अब मैं यहाँ पर अयान सोया था, इसी वजह से ना मैं जल्दी से इस रूम से मतलब कि निकल आई बच्चों के रूम पर, तो क्योंकि देखिए वो थोड़ा सा उठ जाएगा खिटपिट की आवाज़ से। इसी वजह से यहाँ पर देखिए, मैंने गर्म पानी भी लगा के रख दिया है, और मैं इसी में पानी गर्म करती हूँ। ये जो पानी गर्म करने वाला रोड रहता है ना, उसी में करती हूँ। तो अभी मुझे नहाना है जल्दी से, घर का काम हो जाएगा मेरा फिनिश, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। तो ये देखिए, बस अब हॉल ही रह गया है। और आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपने हॉल में ये वॉशिंग मशीन क्यों रखा है। तो देखिए, जैसे कि यहीं पर ना वॉशिंग मशीन के लिए जो नल है, यहीं पे छूटा हुआ है, जो नल का पॉइंट रहता है तो यहाँ पर ही है। और जैसे कि पाइप जैसे जाता है वॉशिंग मशीन का, जो पानी का पाइप जहाँ से मतलब ये फिट करना होता है, यहीं पर था, तो इसी वजह से मैंने यहीं पे रख दिया है। स्पेशली यहाँ पे वही नल और जो पाइप जिसमें से गंदा पानी निकलता है, वो भी यहीं पर सेटिंग किया गया था। तो फिर मैं तो यहीं पर अभी रखा हुआ है, अभी पता नहीं। तो दोनों बाथरूम में उतना फिर अभी मतलब कि यही अच्छा नहीं लगता है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी यहीं पर है इसका जगह, तो यहीं पर मैंने रख दिया है और बाद में देखूँगी। तो ये देखिए, बस अब ये वाला रूम रह गया है मुझे पोछा लगाना, और उसके बाद पूरे हॉल को मैं पोछा लगाती हूँ। हॉल थोड़ा बड़ा है तो टाइम लगता है,
थोड़ा सा टाइम लगता है पोछा लगाने में और झाड़ू लगाने में। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मेरा सारा काम खत्म हो गया है, नहा भी लिया है मैंने, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और उसके बाद फिर मैं आप सबके साथ मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बनाने लगी थी, और आज मैं दोपहर में बनाऊंगी आलू और सेम की सब्जी। बस यहीं पर मैं सेम के जो रेसे होते हैं उसे मैं निकाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर अयांश भी खेल रहा है और यहाँ पर मैं अपना काम भी कर रही हूँ। यहाँ पर अभी आप सब सोचोगे कि अयांश कैसे खेल रहा है ना अकेले, तो ये टीवी देख रहा था और टीवी में ये गाने बस सुनता है। जो गाने का म्यूजिक का जो साउंड है ना, इसको बहुत पसंद है। तो कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जो मैं लगा देती हूँ ना, तो ये बहुत आसानी से देखता है और खेलता भी है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ। सेम के सारे रेसे मैंने निकाल दिए हैं और इसमें मैं आलू डालकर और बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3-4 आलू लिए हैं और उसके बाद बस इनके छिलके छील लेती हूँ और अभी मैं सब्जी बना लूँगी। अभी वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मतलब कि हो जाता है, मतलब खाना खाने के टाइम तक तो हो ही जाता है। लेकिन वही कि अपना जैसे कि काम अगर मैं धीरे धीरे करती रहूँगी तो मैं ही फ्री हो जाऊँगी। फिर होता है कि मुझे मालिश भी करना होता है 2-3 टाइम, फिर मतलब वीडियो एडिटिंग भी करना होता है। तो इसी वजह से ना मैं ये थोड़ा देर के लिए भी बैठती नहीं हूँ कि नहीं ये काम मैं बाद में कर लूँगी, ऐसा नहीं होता है। जब टाइम मिलता है तभी मैं कर लेती हूँ। और ऐसे देखिए, जल्द मैं ही अपना काम करूँगी तो मेरे लिए ही ठीक हो जाएगा, फिर लेट नहीं होता है ऐसे। मैं थोड़ा देर भी मैं बैठ जाती हूँ, अगर मान लीजिए कि कुछ मोबाइल वगैरह देखने लगती हूँ तो फिर मेरा ना लेट हो जाता है। तो इसी वजह से अभी लगभग मुझे लगता है मैं 10:30 बज रहा होगा, सब्जी वगैरह बनाते करते ये सब मेरा 12 बजे तक मेरा खाना बन जाता है। और आज मेरा जल्दी खाना बन जाए क्योंकि आज मैंने जल्दी काम निपटा लिया था, क्योंकि आदित्य आज ही घर पर थे। जब ये घर पे नहीं रहते हैं ना तो अयान किसी को देखता नहीं है ना, तो रोने लगता है, तो मेरा कुछ काम भी नहीं होता है। फिर एकदम जब वो सोता है तभी मैं कुछ काम कर पाती हूँ। वरना कभी कभी तो ऐसा होता है मेरे साथ ना कि आदित्य और आसी स्कूल से लेकर भी आ जाते हैं आदित्य के पापा, लेकिन मेरा खाना बनता नहीं है, ऐसा भी होता है। कभी कभी जल्दी भी बन जाता है। तो अभी देखिए, अभी जब तक छोटा रहेगा तब तक तो मेरा रूटीन ऐसे ही चलेगा, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बस। और सही भी है, ज़िंदगी का अलग अलग अनुभव रहता है, समय किसी का एक जैसा नहीं होता है, और हंस के इस समय को भी मतलब कि एंजॉय करना चाहिए, फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा इसीलिए। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए थे, और लहसुन अदरक का भी पेस्ट मैंने इसे भून लिया है, फिर टमाटर मैंने डाल दिया, फिर अभी मैंने नमक डाल के ढक दी हूँ ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं आलू और सेम को भी डाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए, आदित्य है, कुछ बोल रहा है, दोनों बच्चे नहा धोकर रेडी भी हो गए हैं। और ये देखिए मेरा सब्जी भी, मैं अभी इसे ढक ढक के भूनूंगी और फिर ये सब्जी भी मेरा बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे ढक दिया है। यहाँ पर देखिए आइसक्रीम अब बिकने स्टार्ट हो गया है गलियों में भी, क्योंकि वैसे तो विंटर में बंद हो जाता है गलियों में आइसक्रीम बिकना, बस बाहर कहीं घूमने जाते हैं तभी मिलता है। लेकिन अब जैसे कि गर्मी आ गया है तो फिर देखिए आसी आइसक्रीम ली थी दो, और ये कप वाले तो एक मेरे लिए है, पर मैं नहीं खाऊंगी, ठंडी बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ा सा ही खाऊंगी, फिर इसे भी आसी को ही दे दूंगी वापस। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने खाना बना लिया था और अभी हो गया है दोपहर का टाइम, और खाना वगैरह भी हमने खा चुके हैं। तो अभी मैं जा रही दोपहर के बर्तन धोने के लिए, थोड़ा सा मुझे काम था यहाँ पर, वो भी मैंने निपटा लिया है। और दोनों बच्चे यहाँ पर अभी, और वो मैं बोल रही हूँ उनको कि थोड़ा देर सो जाओ, फिर उठकर अपना होमवर्क वगैरह कर लेना, क्योंकि बदमाशी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा वही दोनों बच्चों का चलता रहता है खेल खेल में। तो बस, और मैं जा रही थी दोपहर का बर्तन धोने के लिए, अभी मेरा यही काम रहता है। उसके बाद फिर इनका होमवर्क जब ये करेंगे तो इनके साथ ही मैं बैठूंगी।
और शायद बारिश का मौसम हो रहा है, तो शायद बारिश होगी, पता नहीं। तो कपड़े भी है ऊपर, वो भी मुझे लाने हैं उतार के। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं अच्छे से नए वीडियो के साथ।